दिमाग बहुत ही शक्तिशाली होता है, पर लंबे समय तक कॉन्सेंट्रेट करना उनके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि पहले तो उन्हें पढ़ाई और स्कूल के विषयों में मज़ा नहीं आता। उनका मन बहुत सी बातों से डिस्ट्रैक्ट होता रहता है। कॉन्सेंट्रेशन की इस कमी की वजह से बच्चों की पढ़ाई तो कमज़ोर रहती ही है, दिमाग का विकास भी कमज़ोर रह जाता है। यदि हम एकाग्रता बढ़ाने के लिए उन पर जोर जबरदस्ती करेंगे तो वो पढ़ाई से चिढ़ने लगेंगे, जिससे उनका रिजल्ट और भी खराब हो जाएगा और आत्मविश्वास भी खत्म हो जाएगा। बच्चे आजकल बहुत ही कम उम्र में ही कंपटीशन की तैयारी शुरू कर देते हैं, क्योंकि अगर पढ़ाई की शुरुआती सालों में ही सही नींव पड़ जाए तब कहीं जाकर बोर्ड एग्जाम्स और कंपटीशन में अच्छी ग्रेड या CGPA बनती है, जिससे अच्छे कॉलेज व यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है और तब कहीं जाकर अच्छा करियर बनता है। ऐसी स्थिति में एकाग्रता या आत्मविश्वास की कमी से भविष्य में मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हम जानते हैं कि हर साल बच्चों की पढ़ाई पहले से और अधिक कठिन होती चली जाएगी, तो भला हम अपने बच्चों को इस लगातार बढ़ते कंपटीशन और पढ़ाई के बोझ से कैसे तैयार करें? ऐसे में कंसंट्रेशन वो चाबी है जिससे हमारा दिमाग अपनी क्षमताओं का 100% विकास कर सकता है। बढ़िया कंसंट्रेशन से ही बढ़िया याददाश्त मिल सकती है और यही IQ लेवल बढ़ाने में सहायक होता है। IQ का स्तर ऊंचा होते ही हमारी रचनात्मक और कल्पना शक्ति बढ़ जाती है और आखिरकार ये चारों मिलकर कॉन्फिडेंस को बढ़ा देते हैं। तो हम क्या करें जिससे बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी बढ़ जाए और मैथ जैसे सब्जेक्ट में उन्हें मजा भी आने लगे? ठीक इसी तरह एबेकस में हम बच्चों के ब्रेन बिल्डिंग पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। सही तकनीक व एक्सपर्ट ट्रेनिंग के साथ बच्चा सबसे मुश्किल सब्जेक्ट्स में भी सबसे बढ़िया प्रदर्शन कर सकता है, और इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में है एबेकस। पहले देखते हैं कि एबेकस है क्या। एबेकस नंबर्स को बीड्स में खेल की तरह दिखाता है, और एबेकस में हम कई तरह के गणितीय कार्य जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर सकते हैं। एक सवाल जरूर उठता है कि भला आज के समय में हमें एबेकस की क्या जरूरत है, क्योंकि आज मैथ्स के बेसिक स्किल्स की आवश्यकता जीवन के हर क्षेत्र में है, फिर चाहे वो इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, बिजनेस या एंटरटेनमेंट ही क्यों ना हो। लेकिन आज भी दुनिया भर में काउंटिंग के लिए उंगलियों, पेपर पेन या कैलकुलेटर जैसे साधनों का सहारा लेते हैं, पर ये सभी बाहरी साधन हमारे मानसिक क्षमताओं को सीमित करते हुए दिमाग को कमजोर कर देते हैं और हम इन्हीं के आदि हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एबेकस एक ऐसा जरिया है जो गणित को एक खेल की तरह सरल बनाता है, स्पीड और कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, दिमाग को मानसिक गणनाएं करने के लायक बनाता है और एक्यूरेसी को उच्चतम स्तर पर ले जाता है। यानी एबेकस एक सशक्त माध्यम है जिससे मेंटल मैथ्स को सीखा जाता है। तो देखते हैं कि इसको कैसे किया जाता है। एबेकस में बच्चे पहले इस टूल को रोजाना 5 मिनट के नियमित अभ्यास से मास्टर करते हैं। अगले लेवल में बच्चों को एबेकस टूल की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अभ्यास से वो एबेकस को अपने मन में ही विजुलाइज कर लेते हैं, यानी मन में ही एबेकस की कल्पना कर लेते हैं। इस सारी एक्सरसाइज का दिमाग पे क्या असर होता है? वैज्ञानिकों ने पाया है कि हमारे दिमाग में दो हिस्से अलग अलग कामों को करते हैं। लेफ्ट ब्रेन में मुख्य कार्य होता है, यानी कैलकुलेशन, स्पीच और जजमेंट, जबकि राइट ब्रेन के काम है कल्पना करना, विजुलाइज करना और मेमोरी यानी याददाश्त। जब बच्चे पेन पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो वो केवल अपने लेफ्ट ब्रेन का ही इस्तेमाल करते हैं और उनका राइट ब्रेन एक्टिव नहीं होता, जबकि एबेकस पद्धति में बच्चा अपने राइट ब्रेन का इस्तेमाल करते हुए एबेकस टूल को मन में विजुलाइज करता है और मेमोरी में नंबर्स को याद रखता है, और इस तरह पूरी प्रक्रिया में अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करता है। बच्चों का कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता का स्तर बढ़ते बढ़ते 7 गुना तक इम्प्रूव हो जाता है। एबेकस से बच्चों के IQ और मेमोरी में भी जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है, और क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड तो बहुत ही असाधारण है, इसका रिकॉर्ड रख पाना भी मुश्किल है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किए गए एक सर्वे में पता चला है कि सफलता में 88% योगदान हमारे सॉफ्ट स्किल्स यानी पर्सनैलिटी और टैलेंट से मिलता है, मात्र 12% योगदान हमारे एकेडमिक स्किल्स का होता है। इन्हीं सॉफ्ट स्किल्स को पर्सनालिटी का अभिन्न अंग बनाने के लिए एबेकस में नियमित रूप से जिन 7 मैजिक रूल्स का पालन किया जाता है वो हैं: डेली प्रैक्टिस, टाइम टेबल का डिसिप्लिन, अपनी स्पीड को लिखना, अपने लक्ष्य पे केंद्रित रहना, अपना 100% लगाना, स्वयं से कंपटीशन करना और कभी भी हार ना मानना। इसके परिणाम इतने प्रभावशाली हैं कि 19 स्टूडेंट्स ने लिम्का बुक में 153 रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक में 68 रिकॉर्ड्स बनाए हैं। इसी असाधारण प्रतिभा व हुनर के साथ हमारे स्टूडेंट्स का भविष्य सुनहरे अवसरों से भरपूर है। दुनिया में उनके लिए लाखों अवसर उपलब्ध हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस, डिफेंस, मैनेजमेंट,
और इन सभी क्षेत्रों में कॉन्सेंट्रेशन व मेंटल मैप की अच्छी नींद की सख्त आवश्यकता है। और ये सभी गुण सहज ही बनाए मिल जाते हैं हमारे पास में, जो एक यात्रा है कॉन्सेंट्रेशन से कॉन्फिडेंस तक।